इस कुश्ती में भी जो भी पहलवान जीते प्रमुख कुश्ती हम जल्दी कराएंगे जो हमारे पहलवानों को नागदा से रात्रि को 12:30 बजे ट्रेन भी पकड़ना है और उस कुश्ती को आशीर्वाद देंगे हमारे मंचासीन सभी अतिथि। इस कुश्ती में जो भी पहलवान जीतेगा उसको 500 रुपए की नगद राशि हमारे राकेश पहलवान इक्का पहलवान के सुपुत्र की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश भैया को। हमारे हमारे माननीय विधायक जी की ऐसी मंशा है, इस दंगल कराने का उद्देश्य क्या है? हमारे विधायक जी का इस दंगल कराने का उद्देश्य है, हमारे जो भी छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे पहलवान यहाँ पे आए हैं, इस दंगल को देखकर प्रेरणा लेकर जाए यहाँ से। और जो आज की नई युवा पीढ़ी नशे की लत में जा रही है, उन सभी से निवेदन है कि नशा छोड़कर और अखाड़े को संभाले भैया। इस कुश्ती के पश्चात चलिए हमारे उज्जैन से पधारे गज्जू पहलवान और धर्मेंद्र गुजर, इनका दोनों का स्वागत बजरंग अखाड़ा व्यायामशाला की तरफ से होगा।
बजरंग अखाड़ा व्यायामशाला को बहुत बहुत धन्यवाद। जो आज की प्रमुख कुश्ती पर चेतन यादव जी की तरफ से भी 500 रुपए का पुरस्कार हमें हुकुमदारा जाट की तरफ से प्राप्त हुआ है, जो पुरस्कार स्वरूप दिया जाएगा। गजू पहलवान बागड़ी उज्जैन फेडरेशन कुश्ती के अध्यक्ष हैं। फेडरेशन के कुश्ती के सहयोगी हैं जो उज्जैन से पधारे हैं। हम बजरंग व्यायामशाला की तरफ से गजू पहलवान के बहुत बहुत आभारी हैं और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारे छोटे से निवेदन पर वो यहाँ पर कुश्ती आयोजन के लिए आए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तराना की जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने शांतिपूर्ण दंगल को चल रहा है। इसी प्रकार आगे की कुश्तियाँ भी बहुत अच्छे अच्छे पहलवान की होगी। आप धैर्य बनाकर शांति से बैठे रहें और दंगल का पूरा आनंद लें। बहुत बहुत धन्यवाद। अल्ताफ पहलवान खंडवा के यूट्यूब चैनल पे आप ये सारी कुश्तियाँ देख सकते हैं। देवास के गुरुचरण पहलवान भी हमारे बीच उपस्थित है, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। भैरू पहलवान का अभिनंदन स्वागत है। ये अंगूर पहलवान गुरु बद्री अखाड़ा दिल्ली, फास्ट कुश्ती लड़ने में माहिर, बहुत अच्छी कुश्ती। प्रमुख कुश्ती पर जो पहलवान विजेता होगा उसको 500 रुपए का पुरस्कार उर्दूपुरा अखाड़ा के पहलवान लालू भाटी के द्वारा भी दिया जाएगा। 3 मिनट, हाँ, जो आखिरी 3 मिनट का समय दिया है और मैं आयोजन समिति को निवेदन करता हूँ कि इस प्रमुख कुश्ती को छुड़वाने के लिए वो हमारे सम्मानीय अतिथियों को मंच से लेके आएंगे। आदरणीय विधायक जी को, चेतन जी को, अजीत भैया को, जो भी हमारे सम्मानीय लोग शर्मा जी मंच पे बैठे हैं, इन सभी को ये प्रमुख कुश्ती को छुड़वाएंगे, इनका आशीर्वाद दिलवाएंगे। इस कुश्ती के बाद अंकुर पहलवान और साकिर की कुश्ती होगी, उसके बाद मनीष पहलवान बजरंग गुरु के शिष्य देपालपुर और गोवर्धन जाट पहलवान तराना मल्लार आश्रम कुश्ती केंद्र इंदौर। आज इस दंगल में अच्छे आयोजन जो तराना के कुश्ती प्रेमियों ने कराया है, उतनी अच्छी कुश्ती भी तराना के बजरंग अखाड़ा के पहलवानों ने यहाँ पर लड़ी है। बहुत अच्छी अच्छी कुश्तियाँ तराना के लड़कों ने यहाँ पर दिखाई है। इस कुश्ती के बाद गजू पहलवान उज्जैन और धर्मेंद्र गुजर, इनका दोनों का दंगल संयोजक गजू पहलवान और हमारे चले खलीवा संचालक धर्मेंद्र गुजर, दोनों ही पहलवान को पुरस्कार दिलवा दिया जाए, गले मिला दिया जाए, दोनों का स्वागत।